हिंदो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड प्रीमियर लीग T20 मैच की, जो कि दोस्तों ये मुकाबला DSD बनाम PIC के बीच दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा। इसमें फैंटेसी टिप्स के हैं, पिच रिपोर्ट कैसी है, टीम में कोई अपडेट तो नहीं है, आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करूँ मैं दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की, तो दोस्तों DSD से कुणाल संदेला, जो कि दोस्तों DSD के कैप्टन है, सन्नी राणा, योगेश रावत, पी नैनवाल, सागर रावत, विजय शर्मा, BP सिंह, मनीष गौर, बाई चौधरी, निखिल पुंदीर, गिरीश रौतारी। दोस्तों आप ही प्लेइंग 11 देख सकते हो, जो कि DSD की प्लेइंग 11 है। बात करूँ मैं PIC की प्लेइंग 11 की, तनुष कुसान, समीर राय, सस्वत रावत, विजय जेटी, शिवम खुराना, मोहम्मद आसिम, रोहित धनु, विनय कुमार, आदित्य सेठी एंड सनी कश्यप एंड सत्यम बलियान। दोस्तों आप ही प्लेइंग 11 देख सकते हो, जो कि दोस्तों PIC की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट वन बात करता हूँ वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की, तो बता दूँ दोस्तों ये मुकाबला 27 जून ट्यूजडे को ये मुकाबला शाम को 7:30 बजे से राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा। बात करता हूँ यहाँ की पिच रिपोर्ट की, तो दोस्तों पेसर्स को इस पिच पर ज़्यादा मदद मिलने वाली है। वेदर रिपोर्ट की बात करूँ दोस्तों, तो बारिश के यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं बनेंगे। बात करता हूँ स्टेडियम के अभी तक की स्कोर रिकॉर्ड की, तो दोस्तों टोटल मैच 6 हुए, जो कि बैटिंग पहले करने वालों ने 4 मुकाबले जीते हैं, बॉलिंग पहले करने वालों ने दोस्तों यहाँ पर 2 मुकाबले जीते हैं। जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है वो 170 रहा है, एंड सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर दोस्तों 151 रहा है। हाईएस्ट टोटल अभी तक का स्टेडियम का रिकॉर्ड रहा है वो 278 3 विकेट के साथ रहा है। बात करता हूँ मैं लोवेस्ट टोटल की, तो 122 रन 10 विकेट के साथ रहा है। बात करता हूँ मैं ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, तो दोस्तों DSD जो कि गुड फॉर्म में है रिसेंट वेजेस में, इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। टॉस प्रिडिक्शन की बात करूँ, आज का टॉस कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रिडिक्शन, आज का टॉस DSD टॉस जीत सकती है एंड पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है। मैच एक्सपर्ट वाइज की बात करूँ दोस्तों, सागर रावत को एज ए स्मॉल लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो, गिरीश राउतरी को एज ए कैप्टन अपनी गैलन लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों खिलाड़ी आपके लिए एज ए स्मॉल लीग एंड गैलन लीग आपके लिए बेस्ट कैप्टन जो रहेंगे। हेड टू हेड की बात करूँ तो दोनों टीमों के बीच एक भी हेड टू हेड मुकाबला नहीं खेला गया। अगर आपको लाइव टेलीकास्ट देखना है तो आप फैन कोर पर लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो। फ्रेंड्स बात करूँ पॉइंट टेबल की, तो दोस्तों DSD जो कि पहले स्थान पर है, 4 मुकाबले में से 3 मुकाबला विन किया है, एंड दोस्तों PIC जो कि चौथे स्थान पर है, 3 मुकाबले में से 2 मुकाबला विन किया है। बात करता हूँ मैं फैंटेसी टिप्स की, तो दोस्तों टॉप ऑर्डर बैटर आप पिक कर सकते हो, डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग कराएं उनके विकेट लेने से लास्ट में चांसेस ज़्यादा बनेंगे। फ्रेंड्स तो आप उनको भी अपनी फैंटेसी टीम में जरूर चेक करिए। विकेट कीपर में दोनों सही है, हालांकि दोस्तों शिवम खुराना आपके लिए बेस्ट रहेंगे, फेसर्स का इस पिच पर ज़रूर रहने वाला है। बात करता हूँ मैं रनिंग प्रेडिक्शन की, दोस्तों DSD जो कि ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज अ PIC टीम से, तो अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं वो आप DSD की अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं। कुछ मुकलाड़ी जो कि DSD के हैं जिनको अपनी ड्रीम टीम में जरूर से करिए, कुणाल संदेला, योगेश रावत, पी नैनवाल, सागर रावत, बाई चौधरी एंड निखिल पुंदी। दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि DSD के मुख्य खिलाड़ी हैं जिनको अपनी फैंटेसी टीम में जरूर से करिए। बात करूँ मैं कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि PIC के हैं, सस्वंत रावत, विजय जेठी, शिवम खुराना, आदित्य सेठी एंड सनी कश्यप। दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि PIC के मुख्य खिलाड़ी हैं जिनको अपनी फैंटेसी टीम में जरूर से कर सकते हो। बात करता हूँ बेस्ट परफॉर्मर जो कि अभी तक DSD की तरफ से रहे हैं, कुणाल संदेला, सनी राणा, योगेश रावत, पी नैनवाल एंड सागर रावत। दोस्तों आप ये बेस्ट परफॉर्मर देख सकते हो जो कि DSD की तरफ से बेस्ट ऑफ रहे हैं। बात करता हूँ मैं बेस्ट परफॉर्मर जो कि अभी तक PIC की तरफ से रहे हैं, तनुष कुसैन, समीर राय, सस्वत रावत, विजय जेठी, शिवम खुराना। दोस्तों आप ये बेस्ट ऑफ देख सकते हो जो कि PIC की तरफ से बेस्ट ऑफ रहे हैं। बात करता हूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन जॉइस की, तो दोस्तों कुणाल संदेला को एज ए स्मॉल लीग में आप वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो एंड सागर रावत को एज ए कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर चेक करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। सस्वत रावत एज ए वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर चेक कर सकते हैं एंड शिवम खुराना को एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर ट्राई करिए। फ्रेंड्स रिजल्ट की बात करूँ वैसे दोनों टीमों के बीच कोई भी इंजर अपडेट नहीं हुआ है, जो यहाँ फाइनल अपडेट होगा फाइनल टीम होगी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो
टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई, वो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ऐसे ही आपके लिए और फैंटेसी टेम्पर एक्सल लाता रहूँगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली न्यूज वीडियो नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले पहुँचे पॉसिबल 11 चैनल की तरफ से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।